खत्म किया जाए, बहुत ही ऐसी दवाओं से खत्म किया जाए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। जी हाँ, बिना साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका हम सेवन करके किसी को भी अगर लिक्योरिया यानी कि सफ़ेद पानी की शिकायत है, अगर इस समस्या से वो काफ़ी दिनों से परेशान है, तो इसका इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, तो कुछ होम्योपैथी की 4-5 मेडिसिन आपको हम आज बताएंगे, और ये लिकोरिया की किसी भी टाइप का लिकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी, चाहे पुराना हो, चाहे काफ़ी दिनों से आ रहा हो, चाहे अभी ये प्रॉब्लम जल्द में ही शुरुआत हुआ हो, या हो सकता है कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, टाइम से पहले पीरियड आ जाता हो, या टाइम होने के बाद जब आपकी डेट होती है उसके बाद में आता हो, तो कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जो कि बहुत ही कारगर हैं, आज हम इन्हीं दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और लिकोरिया के बारे में ये कितने टाइप के होते हैं, ये मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, हम उन्हीं को इस वीडियो में कवर करेंगे। और लिकोरिया की अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप जाके लिकोरिया का सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं और उसके बारे में और बेहतर जान सकते हैं। ये वीडियो बस मात्र होम्योपैथिक दवाओं का जो रिजल्ट होता है उसके बारे में है, और होम्योपैथिक कौन कौन सी दवाएं कैसे यूज करनी चाहिए यह वीडियो में बस इतना ही बताया गया है। तो शुरू करते हैं, जो पहली मेडिसिन होती है होम्योपैथी की लिकोरिया की, जो कि बहुत ही पॉपुलर और हर होम्योपैथिक डॉक्टर इसके यूज करता है, तो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है क्रियोजोड। जी हाँ, क्रियोजोड का आप यूज 30 पावर में भी कर सकते हैं, 200 में भी कर सकते हैं, और इवन कभी कभी आपको 1 ml में भी यूज करना चाहिए। अब हम आपको बता दें इसका सेवन कैसे करना है, तो आपको सिंपल 4 बूंद अपने टंग पे, अपनी जुबान पे 2 से 3 बार दिन में आपको लेना चाहिए। और अब हम बात करें दूसरी मेडिसिन की, ये भी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है लिकोरिया की। यह लिकोरिया के साथ साथ और भी बहुत स्त्री रोगों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जी हाँ, सीपिया 30, 200, 1 ml। आप इसका सीपिया 30, 200 का यूज आप दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या ज़्यादा है। आपको सेवन करने की विधि मैंने बताई, 4 से 5 बूंद आप अपनी जुबान पे, टंग पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या आधा कप पानी में मिला के भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलुमिना मेडिसिन की। एलुमिना मेडिसिन आपके लिक्योरिया में बहुत असरदार होती है। क्रियोजोड के साथ आप एलुमिना 30, 200 का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका भी 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और जो मेडिसिन इसमें यूज होती है। जी हाँ, एलुमिना के साथ साथ आप रस्टक्स का भी यूज कर सकते हैं। रस्टक्स, और मैंने 4 दवाओं को का नाम बताया, क्रियोजोड, एलुमिना, सीपिया, रस्टक्स। इन दवाओं को आप, चारों दवाओं का अगर आप सेवन करते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा, मैंने अपने क्लिनिक पे, अपने डिस्पेंसरी पे, मैंने काफ़ी मरीजों को इसी दवाओं से ठीक किया है, और इसका रिजल्ट मात्र 10 से 15-20 दिन में देखने को बेहतर रिजल्ट मिला है। और आपको अगर फेस पे पिंपल्स भी हो रहे हैं, या किसी अन्य तरीके का कोई भी आपको डिस्चार्ज यानी कि किसी भी टाइप का अगर पिंपल्स हो रहा है, उसमें पस निकल रहा है, तो क्रियोजोड, एलुमिना और रस्टक्स बहुत अच्छा असरदार दवा सिद्ध होती है। मैंने ये पर्सनल अपने डिस्पेंसरी पे मैंने यूज किया है, और आपके सामने अपना अनुभव ये मैंने शेयर किया है। और इसी के साथ में अगर हम आपको बताते हैं और भी, तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मैंने दी, और आपको ध्यान रहे दवा लेते समय आप टेंशन फ्री दवा लेते समय आप दिन में 3 से 4 बार
इसमें सेव मैंने चारों दवाओं का जो बताया आप इसका सेवन कर सकते हैं, या श्योर है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बाजार से आप कोई भी बिना डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के आप कोई भी दवा का सेवन ना करें, आपसे मेरी यही सलाह है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।